गुड नाइट एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अभी, यानी कि रात बज रहा है। एंड रात को मेरी नींद खुल चुकी है 12:30 बजे के बाद, लेकिन अब 1 बज चुका है। मैं तब से देख रहा था तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है 1:16 और देख लेते हैं वैसे तो टाइम इंडिया टाइम देखो 1:17 हो रही हैं, और गूगल पे हम लोग देख सकते हैं। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। एंड सो मेरा PSIR में जितना भी बैकलॉग लगा हुआ है उसको मैं आज कंप्लीट कर लूँगा सुबह तक, यानी कि अगर इतनी जल्दी पढ़ने बैठ जाता हूँ तो सबसे पहले ये अपडेट के लिए मांग रहा है। ये अपडेट के लिए लेटर अपडेट कर देते हैं, एंड उसके बाद फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। एंड इसमें मेरी 4 से 5 क्लासेज हैं जो कि बैकअप लगा हुआ है, मैं घर पर आने के बाद मैं ये नहीं कम्प्लीट कर पाई हैं। और चलिए फिर इसको कम्प्लीट कर लेते हैं फटाफट, एंड उसके बाद में फिर आप सभी से मिलते हैं। गाइस 3 बज चुके हैं और पढ़ते पढ़ते 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं मैंने। एंड नाइट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ गांव में रहने का क्या फ़ायदा है। एक फ़ायदा यह है गांव में रहने का कि खुले आसमान के नीचे सोना एंड चांद को देखना बहुत सिलते हैं, दिखाते हैं आपको। अब तो गांव में रहते होगे तो आप लोग देखते होगे इसको, तो यह है चंद्रमा जो मतलब क्या है ना कि वहाँ पॉल्यूशन की वजह से ना सब कुछ ऐसे ही रहता है इस वजह से। एंड तो कितना मज़ा आता है, मैं पढ़ रहा था अभी और कोई नहीं, सब लोग सो रहे हैं नीचे, मैं ऊपर छत पे था तो इस वजह से। एंड मैंने पंखा चला रखा है, मच्छर काट रहे हैं यार यहाँ पे गांव में, इसलिए मैंने पंखा चला दिया है। और वैसे तो ठंडी ठंडी आवाज़ चलती है यहाँ पर गांव में ऊपर छत पर, तो इसीलिए इंजॉय कर रहे हैं फुल। एंड अपनी क्लास को कवर कर रहे हैं, आज पूरा कम्प्लीट कर लूँगा बैकलॉग एंड सुबह तक स्टडी करने वाला हूँ। चलिए, आज नींद नहीं आ रही थी इस वजह से फिर मैं उठ गया था। तो मैंने कैमरा जो है चार्ज पे लगा दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं उसकी बैटरी चार्ज हुई या नहीं हो रही है। तो मेरी क्लास भी कंप्लीट होने वाली थी और साथ ही मैं सुबह होने वाली थी। एंड सुबह आप लोग समझ सकते हैं कि यानी कि उजाला होने वाला था एंड मैं क्लास कंप्लीट करने वाला था। ये समय था काफ़ी बोल सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव एंड बोल सकते हैं मज़ेदार समय था, क्योंकि रात भर की स्टडी करने के बाद एंड सुबह फिर से नोट्स रिविज़न का टाइम आ चुका था एंड फिर से मैंने अपनी नोट्स की रिविज़न स्टार्ट कर दी। तो ये PW के जो PSIR के कुछ नोट्स हैं, इनकी रिविज़न करनी है, जो भी मैंने क्लासेज कम्प्लीट की हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं नज़ारा कुछ इस प्रकार का है सुबह का। एंड छत से मैं आप सभी को ये नज़ारा दिखा रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा एकदम मस्त नज़ारा है जो कि आप लोग समझ ही सकते हैं, और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग समझ सकते हैं। तो चलिए फिर एक बार फिर से इंजॉय करते हैं। तो इन
नोट्स को रिवीजन करते हैं एंड ये नोट्स आप लोग समझ सकते हैं कौन से हैं, फटाफट से इसकी रिवीजन करते हैं। एंड रिवीजन करने के बाद में थोड़ा सा काम भी है घर पे, तो काम भी संभालना पड़ेगा क्योंकि घर पे आए हुए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। इसीलिए तो सबसे पहले नोट्स की रिवीजन करते हैं, उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं एंड इन्जॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि UPSC का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड बहुत सारी कोचिंग्स ने अपना अपना रिजल्ट क्लेम किया है और उसी में PWONLY IAS का काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है। इसकी तारीफ मैं नहीं, टॉपर्स एंड टीचर्स कर रहे हैं एंड सभी टॉपर्स क्वालिफायर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इसकी अगर तारीफ हो रही है तो कुछ तो बात होगी। अगर आप भी टॉप 5 के अंदर आना चाहते तो आप अपनी प्रिपरेशन PWONLY IAS के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि PW के ऑफर्स हैं प्रहार बैच 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 5 जून को, एंड टाइटन 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जून को, एंड वहीं संकल्प 2025 के लिए इंग्लिश मीडियम जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जून को, एंड संकल्प 2025 के लिए हिंदी मीडियम स्टार्ट होने वाला है 3 जुलाई को। इन सभी बैचेज में आप सभी को 3 क्लासेज फ्रीली अवेलेबल है, जिससे आप टीचर्स को एंड वहाँ के मेंटर्स को एंड वहाँ की जो फैकल्टी है उनको अच्छे से समझ सकते हैं, क्वालिटी कितनी है एंड स्टैंडर्ड एंड इन्फॉर्मेटिव को जान सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट 360 प्रिपरेशन हो, तो आप सिर्फ 4999 में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी PW के साथ, जिसमें आप सभी को मिलेगी बेसिक ऑफरिंग्स एंड प्रीमियम ऑफरिंग्स। सो UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का आज ही सबसे अच्छा मौका है, आप UPSC प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर सकते हैं PW के साथ। एंड इसके साथ ही PW की बुक्स भी अवेलेबल है जो कि Amazon पर है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग चेक कर सकते हैं, जो कि काफी कम प्राइस में आप सभी के लिए अवेलेबल है। एंड आप सभी को बताऊं, इसमें आप सभी को मिलेगी UPSC प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन एंड टॉपिक वाइज कवरेज, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, टाइमलाइन, और साथ ही मिलेंगे PYQ क्वेश्चंस जो कि प्री एंड मेंस के लिए दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंड यूज करें मेरा कूपन कोड RAN500, सो मिलेगा 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरे घर पे काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मिट्टी आई है बाहर से, इसको मतलब ठेली से इसको मतलब पिताजी साइड में कर रहा हूँ, सब कुछ मतलब खसा के बाहर का पूरा गेट वगैरह एंड दोबारा से शायद कुछ लगेगा सेट करके, तो इस वजह से मतलब टाइम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। चलिए फिर ये सब काम करते हैं एंड ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग इन्जॉय करना काफ़ी अच्छे से एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे भी काम करना पड़ा साथ में एंड मम्मी, तो बस मम्मी को मैंने कैमरा दिखा दिया एक बार, फिर मैंने मिट्टी डालना स्टार्ट की, सारी मिट्टी मैंने लगाई एंड बाद का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं क्या नज़ारा हो गया। पहले मिट्टी इसमें नहीं थी बिल्कुल भी, एंड मिट्टी क्या है कि लंबा सा है तो पूरी मिट्टी इसमें पड़ी है बहुत ज़्यादा, एंड उसके बाद में फिर मिट्टी पड़वाने के बाद में और पूरा जी सेट हो जाएगा, इसमें गेट लग जाएगा और नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा।